खित्ते में मोदी ने चुलबुल पांडे बनने की नाकाम कोशिश की। मोदी 30 सीटें इजाफी जीतने के ख्वाहिशमंद थे, पूरा इलेक्शन सत्यानाश करा लिया। अभिनंदन का तैयारा, मोदी और भारत की जिल्लत का इस्तारा बनकर सामने आया। सूबाई वजीर इत्तला फैयाजुल हसन चौहान का अलहमरा में तकरीब से खिताब। पंजाब असेंबली का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। वजीर आला सरदार उस्मान बोजदार, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, वजीर कानून राजा बशारत, फैयाजुल हसन चौहान, अब्दुल अलीम खान और दीगर की शिरकत। हुकूमत को सुबकी का सामना, वजीर आला की मौजूदगी के बावजूद कोरम पूरा ना हो सका। PSL 4 को लाहौर से कराची मुंतकिल करने से दुनिया को बुजदिली का तासुर गया। फैसले पर नजरसानी की जाए, अफवाज पाकिस्तान और आवाम किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। वारिस कल्लू का खिताब, खिलाड़ियों का सामान एयरपोर्ट पर ना पहुंचने पर मैच मुंतकिल किए, राजा बशारत का जवाब। वफाकी हुकूमत सूबों के हुकूक गजब कर रही है। मुझे पता है कि पंजाब में भी अपोजिशन को एक नलका तक नहीं दिया जा रहा। मुल्क की हालात के पेश नजर अभी चुप हैं, सियासत करने पर आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की कयादत का इजलास। जनूबी पंजाब से पंजाब के दौरों का आगाज करने का ऐलान। मनपसंद महकमों की फरमाइश, 38 पार्लियामानी सेक्रेटरीज को महकमे अलॉट ना हो सके। वजीर आला पंजाब ने 38 पार्लियामानी सेक्रेटरीज का नोटिफिकेशन 7 फरवरी को जारी किया। जराए का कहना है पार्लियामानी सेक्रेटरीज की जानिब से मनपसंद महकमों की फरमाइश पर मामला ठप हो गए। बेशतर पार्लियामानी सेक्रेटरीज महकमों की अलॉटमेंट न मिलने पर बददिली का शिकार। वजीर आला ने बिगड़े मामला हल करने के लिए वजीर आजम से मदद मांग ली। LWMC की डेडलाइन खत्म, शहर में जीरो वेस्ट ना हो सका। 500 गाड़ियां और 8000 वर्कर्स इन एक्शन, नतायज नजर ना आ सके। MD LWMC खालिद नजीर बट्टू कहते हैं शहर को मुकम्मल साफ सुथरा बनाने के लिए मजीद एक रोज लगेगा। 4 रोज में 10,000 टन कूड़ा उठा लिया। सफाई का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए दीगर महकमों की भी खिदमात हासिल की गई हैं। कूड़ा करकट डंप करने के लिए लैंडफिल साइट पर भी खसूसी इंतजाम किए गए। तजलील हो रही है, एहतसाब नहीं इंतकाम लिया जा रहा है। 8x12 के सेल में 2 अफराद कैद हैं, जेल में इलाज भी नहीं करवाया जा रहा। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत, ख्वाजा साद रफीक का जेल में नाकिस सहूलियात का शिकवा। पैरागॉन एक गैर कानूनी मंसूबा था, ख्वाजा बरादरान को बाकायदगी से पैसे आते रहे, नैब वकील। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक की तौसी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत पेशी। लीगी मर्दों ख्वातीन कारकुनान की नारेबाजी। MPA यासीन सोहल बोले शेर पिंजरों में बंद हैं, पेशियां इमरानी हुकूमत को कामयाब करने के लिए हैं। कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात नाइंसाफी हैं। और पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद समझौता एक्सप्रेस की सर्विस बहाल। समझौता एक्सप्रेस के जरिए 12 पाकिस्तानी मुसाफिर भारत से वाहगा बॉर्डर पहुंच गए। कोई भी भारतीय मुसाफिर नहीं आया, मुसाफिर अपने वतन वापस पहुंचने पर खुश।